एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद फिर से हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। अभी भी दो ब्लॉग्स पेंडिंग है डालने के लिए। फिलहाल क्या है, ईवा को स्नान करवा दिया, पूरी मसाज वगैरह सब कुछ की, कपड़े भी थके बड़े हुए, टॉवल वगैरह सब कुछ उठाना है मुझे। लेकिन ईवा को भूख लगी थी, दूध वगैरह पीना था। और आप सोच रहे होंगे शोर किस चीज़ का आ रहा है, पहले वो दिखाते हैं। हाँ जी, क्या हो गया? हाय, बोल हाय। हाय कर दो, थैंक यू कर दो, चलो सबको अच्छा जय कर दो, सबको जय कर दो, वेरी गुड, बाय कर दो, बाय भी करके दिखा दो, वेरी गुड। तो याना घर पे नहीं है। हाँ जी, सो याना जो घर पे नहीं है, हम लोगों ने क्या चलाया आज के दिन, क्या देखते हैं, आपको दिखा। हाँ जी, ये मुझे बार बार बोल रहे हैं कैमरा मेरी साइड को। अच्छा आपकी साइड करो। हाल यहाँ पे ना हम लोग क्या देख रहे हैं, ये अपने जो हमारे दो साल पहले के ब्लॉग्स हैं वो देख रहे हैं। ईवा को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि याना घर पे नहीं है। और जो हम ये देख रहे हैं ना, वो इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं याना को वीडियो में देख के। ये हमारा पत्नीटॉप वाला ब्लॉग है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखे, इतना मज़ा आया था। तब छानू काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, शायद से 1.5 साल के थे, उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो हम लोगों ने बनाई है। तो ब्लॉग्स ना काफ़ी इंटरेस्टिंग से दो साल पहले की हैं। हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा घूमा था उस टाइम पे, दीदी वगैरह को भी छुट्टियाँ थी और बच्चों को भी छुट्टियाँ थी, तो इतना ज़्यादा हमने ना मज़े किए थे तब। फिलहाल हम कभी कहीं भी नहीं गए अभी, मतलब ईवा को तो हमने घुमाना भी स्टार्ट भी नहीं किया, तो हम सोच रहे हैं कि कहीं जाएँ घूमने के लिए। और बाल देखो, आज मैंने हेड वॉश किया, मेरा मन कर रहा ना कटिंग करा दूँ, ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ से ना पूरे से कटिंग करवा दिया, तो मेरा मन कर रहा है बालों को कटा दूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबे हो रहे हैं और मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैं किसी दिन जाऊँगी ना कटिंग करा दूँगी। फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ही जाऊँ जीनू के साथ और कटिंग करवा दूँ, लेकिन आज नहीं जाऊँगी। हम लोग आज कहीं जा रहे हैं, वो आपको बताऊँगी बाद में बताऊँगी, जब हम निकलेंगे ना गाड़ी में बैठेंगे फिर बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल पैकिंग वैकिंग करनी है, थोड़े से कपड़े प्रेस किए, थोड़े से और करने हैं, तो सब कुछ करते हैं। ईवा ने चलना भी स्टार्ट कर दिया, वो भी दिखाती हूँ आपको। सो फिलहाल क्या है, मैं ईवा को नीचे देख के आ गई हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे फटाफट से जो है पैकिंग करनी है, वो कर लेते हैं साथ में। मुझे भी पानी भी लेती हूँ, उसके बाद काम जो है अपना स्टार्ट करती हूँ। थोड़े से कपड़े भी जो है वो प्रेस करने हैं, वो भी कर लेती हूँ। और बस जो भी सामान वगैरह समेटना होगा, बर्तन वगैरह थोड़ा खाली करके साफ करने हैं, वो सारा काम जो है वो फटाफट से फिनिश करती हूँ। यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, और ईवा को मैंने रेडी करके ला दिया था। आज मैंने पहली बार जाने से पहले नेल पेंट भी लगाई है, तो ये वाला जो कलर इतना ज़्यादा पसंद है ख़त्म हो गया ये। अब मैं ढूंढ रही थी इसको, तो ऑनलाइन परचेज़ करूँगी। नायका की नेल पेंट बहुत सुंदर लगती है मुझे। वॉच पहन दी अपनी, शूज़ जो मुझे पहने थे वो नहीं मिले। आज मैंने ये वाइट वाली अपनी न्यू कुर्ती मैंने ट्रेंड से लाई थी, ये इसके साथ वाइट कलर का प्लाजो है, सेम स्टफ में मिल गया था मुझे अमेजोन से, 300 का, काफ़ी सस्ता था। और ये वाली जो कुर्ती थी मुझे लगता है 500 की शायद। तो बस यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, ईवा को सुलाया है स्नान करा के, और जीनू जा चुके हैं, मैं भी फटाफट से निकलती हूँ अभी। और आज हमारी सुबह लाइट बंद थी, अब भी आई लाइट और लेट हो रहे हैं, और बोल रहे हैं कि उस साइड क्या है, आज ट्रैफिक जैम है। तो मैं धीरे धीरे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ईवा यहाँ पे सोए हैं, तो निकलते हैं फटाफट से, इनको ऐसे ही उठा के ले जाऊँगी मैं। रेडी करके सुलाया था मैंने, और मेरा शूज़ नहीं मिल रहा यार, ये वाले न्यू शूज़ हैं मेरे, एक बार भी नहीं पहने हैं। ईवा के बर्थडे वाले दिन पहने थे, वो भी बाहर नहीं पहन के गई थी, ये पहन के जाना था मुझे। देखो कितना ब्यूटीफुल है ना ये, लेकिन ये मिल नहीं रहा दूसरा, और इसलिए मैं ये वाला जो है ये पहन के जाऊँगी। बट ये इतना सुंदर नहीं लग रहा, ये बहुत सुंदर लग रहा था इस ड्रेस के साथ, वाइट है ना, वाइट के साथ अच्छा लग रहा था। हम लोग ना थोड़ा सा रास्ते में रुके हैं, सोचा था बच्चों के लिए चाउमीन और मोमोज वगैरह ले लेते हैं, बच्चों को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो काफ़ी टाइम के बाद जा रहे हैं दीदी और घर पे, तो इसलिए मैं बोल दी, मैंने बताना नहीं आपको हम कहाँ जा रहे हैं।
तो मोटे को हमने यहाँ बिठा रखा है और शुभम कल रात को नहीं गया था तो आज वो भी हमारे साथ जा रहा है लेकिन वो अपनी गाड़ी पे जा रहा है। तो सुनी गई अपने लिए आइसक्रीम और चिप्स वगैरह लेने, तो फिर हमने सोचा चिप्स कोल्ड ड्रिंक ये सब जो अलट पलट है ये ले जाते हैं, ये भी पसंद होता बच्चों को। अभी हम लोग जो है दीदी घर पहुंच चुके हैं और इवा दिखाते हैं आपको। आ गया किधर आ गया बुझ गए चलो जुनी भी आई है हमारे साथ चलो आ जाओ मत चलो खुल गया था बस नहाए नहीं था कटिंग नहीं कराई है तभी गंदा लग रहा। सो यहाँ पे ना हम लोग दीदी के घर पहुँच चुके थे और आते ही हम लोग ये जो कुत्ते ना इन्होंने हमारा वेलकम किया। दीदी ने दो कुत्ते रखे हैं, एक ब्रूनो और एक है ऐश, तो इतने ज़्यादा ये लोग चिल्ला रहे थे ना पूरी मतलब टाइम ही हम लोगों को वो करते रहे। उनको वैसे अजीब लगता है ना कुत्तों को कि यार कौन आ गया, तो बस ये पूरा टाइम चिल्ला ही रहे थे और हमारे कान खा लिए। इवा को डॉग्स इतने ज़्यादा पसंद है, डॉग्स काउस कैट ये सारे जो एनिमल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई, बिल्कुल डर भी नहीं रही थी इनसे और बड़ी ज़्यादा खुश थी वो। और अयाना को देख के तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे वो, अयाना एंजल इनके साथ वो ज़्यादा खेलते हैं तो उनको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और यहाँ पर आके भी वो काफ़ी ज़्यादा मस्त हो रहे थे। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग बैठ गए हैं, पानी वानी पिया और उसके बाद अभी जो है वो हो गया है शाम का टाइम और हम लोग जो है आज यहीं पे रुकने वाले हैं क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद दीदी बोल रहे हैं आज घर नहीं जाना, आज यहीं पे रुको। तो जीनू बोलते ठीक है सुबह जल्दी निकल जाएंगे। क्या कर रहे हो, आ जाओ। फिलहाल मौसम ठंडा ठंडा हो गया बाहर, धूप चली गई है, देखो पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। खड़े हो ना, चुप रहा है, खड़े होकर दिखा, यही चैलेंज कर ली, यही चैलेंज कर ली। वेरी गुड, ऐसे थोड़ी एक उठाना है फिर एक रखना है, ऐसे करना मोटी का गाली है। लड़ो कोल्ड ड्रिंक पी थी, कोल्ड ड्रिंक आपने नहीं पीनी है, ये पड़ी है खाना लेके गया था ऊपर।